फ्रेंड आज हम लोग लुमिनस सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो ये PWM मॉडल है 12 वोल्ट 6 एम्पियर का, इसका इंस्टॉलेशन हम लोग सीखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका प्रॉपर तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, नहीं तो आपका सोलर चार्ज कंट्रोल में होगा क्या कि ये तीनों लाइट एक साथ ब्लिंक करने लगेगा, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए आप हर स्टेप को देखें, नहीं तो फिर आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सारा सेक्शन इसमें डिवाइड किया हुआ है, ये सोलर पैनल का है, ये बैटरी का है, ये आपको DC बल्ब के लिए, ये DC फैन के लिए है। तो इसमें क्या करना है कि जो बैटरी में हमको कनेक्शन करना है उसके वायर को सबसे पहले इसमें कनेक्ट कर लेना है पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर बैटरी का देखिए ये निगेटिव सेक्शन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वाला वायर को इस तरह से लगा देंगे और इसको स्क्रू ड्राइवर से कस देंगे। तो बैटरी का निगेटिव लग गया, फिर इसी तरह इसमें पॉजिटिव सेक्शन को लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको बैटरी का कनेक्शन करना है, वो भी पहले सोलर चार्ज कंट्रोलर से, ना कि बैटरी से। बैटरी से अगर कनेक्ट कीजिएगा तो ये दोनों वायर अगर आपस में टच हो गया कनेक्ट करते वक्त, तो ये आपका फिर डेंजरस हो सकता है। तो ये बैटरी का कनेक्शन कर लिए, इसके बाद क्या करना है इसको, इसके बाद तुरंत ही इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। बैटरी को के साथ कनेक्ट करने के बाद देखना है कि सोलर चार्ज कंट्रोलर ऑन हो रहा है कि नहीं, लेकिन पोलैरिटी का ध्यान रखते हुए। तो ये बैटरी है नीचे, अब इसका देखिए पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए इसका कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ सनलाइट काफ़ी तेज़ है, तो मैं आपको ये नज़दीक से दिखाऊंगा। मिडिल वाली लाइट जल रही है, एक मिनट इस यहाँ पे थोड़ा सा शैडो जनरेट करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये हल्का ग्रीन जल रही है, तो अभी दिखेगी नहीं, पूरा कनेक्शन करते हैं तब देखेंगे। तो इस तरह से बैटरी और सोलर चार्ज कंट्रोलर दोनों को कनेक्ट कर दिए, दिख रहा होगा आपको। ये बैटरी है 12 वोल्ट 7 AH की है। उसके बाद क्या करना है, इस सोलर चार्ज कंट्रोल का कनेक्शन सोलर पैनल के साथ करना है। तो इसमें एक सोलर सेक्शन वो भी डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे देखिए सोलर का है ना, यहाँ पे प्लस और माइनस। तो ये सोलर पैनल से दो वायर आए हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ है वो माइनस वाला है, और जो प्लेन है ग्रीन कलर का पूरा, ये आपका पॉजिटिव है। तो अब इसका कनेक्शन सोलर के साथ कर देना है बैटरी के तुरंत बाद, पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए। ये पॉजिटिव वाला हो गया, अब निगेटिव वाला का कनेक्शन करना है। इसको थोड़ा लूज करना पड़ेगा, अब देखिए ये चार्जिंग ऑन हो गया है। यहाँ काफ़ी सनलाइट है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए इसको मैं, ये अब ध्यान से देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर वाला ग्रीन कलर में ये जल रहा है, इसका मतलब ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो गया है। पहले इतना कनेक्शन हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कर लेंगे। अब इसमें लोड का सेक्शन इसमें भी डिवाइड किया हुआ है, ये DC बल्ब के लिए है और ये DC फैन के लिए है। तो एक एक करके लोड लगा लेंगे। DC बल्ब है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आप स्विच भी लगा सकते हैं, अभी सिर्फ हम कनेक्शन दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड ये बल्ब जलने लगा। अब एक DC फैन यहाँ छोटा सा लिए हैं 12 वोल्ट का, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है, तो सिर्फ आपको भी चला के दिखा रहे हैं। आपको कनेक्शन इसी तरह करना है, अगर आप बड़े फैन भी जोड़ते हैं लोड करंट को ध्यान में रखते हुए, अगर आप ज़्यादा करंट का जोड़ दीजिएगा तो फिर सिस्टम लोड नहीं ले पाएगा। देखिए फ्रेंड फैन भी चलने लगा और ये बल्ब भी जल रहा है। तो आपको मैं थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए सारा कनेक्शन मैंने कर दिया है। ये सोलर पैनल हो गया, उसके बाद ये चार्ज कंट्रोलर है, ये बैटरी है, ये आपका DC LED 12 वोल्ट का, और ये DC फैन है। तो इस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करना है, तब जाके ये सही से
काम करेगा। ठीक है फ्रेंड, एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ कि सोलर चार्ज कंट्रोलर का सबसे पहला कनेक्शन बैटरी के साथ करना है, उसके बाद सोलर पैनल से, उसके बाद आप डीसी लोड से कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप उल्टा पुल्टा कनेक्शन कीजिएगा तो ये तीन जो इंडिकेटर दिए हुए रहते हैं वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा और आपका सोलर चार्ज कंट्रोलर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। थैंक यू।